नहीं था उत्तराखंड शहर में। इंदर आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था, क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई काम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने डरो, ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है, इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सच उगलेगा। ये क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा, ये मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कह के तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा तुमने आज बता दिया हम तुम्हारे साथ रहे थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मणि, चक्कर आ गया मुझे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। अरे रुको रुको, अंदर नहीं जाना।
का कहीं सही नहीं जाने देगा। ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या, ये तोता है। ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी आ गया, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभाल लूंगी। अरे मेरा राजा, जा मिट्टू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं नहीं जाएगा, ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना, यहाँ का मुझे बिल बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना। हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया, ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई मेरे लिए नहीं भैया, मिट्टू के लिए। अच्छा, अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माजी ने बोला है। जा जा बुल्लू बनाया इसको, अब दोनों मिलकर खाएंगे। आओ आओ इंदर आओ। सर उधर रखो। सर इन 2 सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए। बैठो। थैंक यू सर। सर ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब है। जाहिर है सर उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो। हो सकता नहीं सर, लिंक है, देवा का डेफिनेट लिंक है। सर मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर, तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है, दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा है मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुट्टी। सारी बत्तियां बंद क्यों है? इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे? मैंने कहा इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं, मना किया था ना मैंने? हाँ मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूँ मैं तेरा? मैंने पूछा कौन हूँ मैं तेरा? पति। तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है, जो मैं चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर, और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेल जोल रखे ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो देवा को भूलने की,
आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा नहीं? 2 लाख? 10-12 खोका इधर उधर हो जाता है। हाँ? खोका? खोका बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़? तू सेफ्री खाएगा? नहीं नहीं माँ। अरे मैं मंगा दी है, मेरी बहुत चलती है। बाद बॉय। नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू देवा। देवा मेरी बात तो सुनो देवा। अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई, उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली देवा। जया, तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है देवा। एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो, देखो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी देवा। बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी, उन्हें यहां लाने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी। अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं। ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे, सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूं। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर मां का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा?
सर मैं इंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो इंदर। सर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ड्रग माफिया के रिलेशंस हमारे कुछ एक खास मिनिस्टर्स के साथ हैं। सर उनकी एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मुझे अभी अभी खबर मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर जरूर वहाँ पर पहुँच जाएं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा इंदर। कहाँ आना है मुझे? डेल्टा टावर ठीक 11 बजे। हेलो देवा। हाँ बोल इंदर। देवा मुझे आकाश के कातिलों के बारे में कुछ खास खबर मिली है। मैं चाहता हूँ कि तुम डेल्टा टावर पहुंच जाओ ठीक 11:15 बजे। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। आइए सीएम साहब। जिंदाल तो इंदर तो सिर्फ जरिया था आपको मुझ तक पहुंचाने के लिए। दरअसल मैं आपको ऑनर करना चाहता था आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के लिए। क्या मतलब? आपको जलसे समारोह भीड़भाड़ पसंद नहीं है इसीलिए मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी आपकी मरने के लिए। Come on!
बॉस 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 डॉक्टर का बंदोबस्त करो। हाँ देवा। देवा ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कौन क्या खेल खेल रहा है। एसीपी इंद्र सक्सेना से बात करनी है। साहब इस वक्त ऑफिस में नहीं है। देवा मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? जया इंद्र ने बुलाया था मुझे वहाँ पर। जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे। एक बात समझ में नहीं आ रही केंद्र पहुंचा क्यों नहीं वहां पर।